अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड, आज के ब्लॉग्स में बारिश का बना रही हूँ, क्योंकि आज पहली बार मैंने बारिश वाले ब्लॉग्स बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत सारे बातें करनी है आप लोगों से। सो फ्रेंड, पहले मैं दिखा दूँ, बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ये पढ़ा रही, और बाकी का मैं आप लोगों से बारिश दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही, देखिए। देखिए कितने अच्छा लग गया ना, मैं बैक कमरे से दिखाती हूँ वहाँ पे। सो फ्रेंड देखिए, और मौसम देखिए कितनी बादल छाए हुआ है, ऐसा अंधेरा अंधेरा हो रहा, और यहाँ के व्यू देखिए। बाकी यहाँ पे ना रेलिंग नहीं हुआ है, इधर इतना ही रेलिंग, ये क्या बोलते हैं, मोमटी का इतना ही रेलिंग उठ चुका है, तो इसके ऊपर चद्दर डाल देते हैं कि ताकि नीचे पानी ना जाए। और यहाँ पे रेलिंग नहीं हुआ है, तो बांस गाड़ के और पल्ली से ऐसे तान दिए हैं ताकि बच्चे उधर बाहर ना गिर सके। और मैं बारिश में ही आप लोगों से दिखाती हूँ, तो देख सकते हैं। भीग रही हूँ मैं, भीग के तो अंदर चल रही हूँ इधर, और सो फ्रेंड जल्दी जल्दी सपोर्ट करिए, क्योंकि हम भी अच्छे अच्छे घर बनाएं और आप लोग आगे बढ़ाइए। सॉरी गाइस, हम अपने ज़िंदगी से नाखुश नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो रोडों पर रह रिया। मैं आप लोगों से बैठ के बातें करती हूँ। सो फ्रेंड मैं भीग गई थी, देख सकते हैं, मैं बारिश में जाके थोड़ी सी वीडियो बनाई। तो सो फ्रेंड, मैं जो रोड पे रह रहा हूँ उनके बारे में मैं आप लोगों से आज कुछ कहने वाली हूँ। तो हम तो चलो है, जैसे भी है, छत हमारे सर के नीचे है, हम बारिश आ रही है तो कम से कम सुरक्षित बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, और हम भीग तो नहीं रहे ना। आज जो लोग हमारे घर के सामने शौचालय है, उसके रोड के पल्ले साइड में बहुत लोग हैं जो ऐसे मांगने वाले, कमाने खाने वाले, कोई मतलब वो कोई मांगता है, कोई वहाँ पे अपना अपना छोटा मोटा जो भी कारोबार है, और जो मांस का वो करके और डलिया उलिया जो बनाते हैं लोग, और मतलब कई ऐसी कई प्रकार के जो कारोबार उन लोगों का है। कितने जो है जो बेल्ट बेचते हैं, कितने जो है वो क्या बोलते हैं, ये प्लास्टिक का गुड्डा वड्डा जो भी है वो सब बेचते हैं लोग, अपने कारोबार कर रखे हैं लोग। तो ऐसे ही रोड के किनारे सोते हैं लोग, रोड पे ही सो जाते हैं लोग, रात को खाना बनाते हैं लोग, वहीं से खाते हैं लोग, सो जाते हैं लोग। तो बाकी उन लोगों के जब बारिश हो रही है तो उन लोगों के तो सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है, तो वो लोग कैसे होंगे? तो उन लोग, हम अपने से सोचने से अच्छा जो उन लोगों के बारे में सोचे। आज जो लोग भी बहुत लोगों का हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे लोगों का हेल्प करें और कहीं पे ना कहीं पे उनको बसाने की कोशिश करें। गवर्नमेंट जितने भी ये सरकारी जगह में, मैं ये कह रही थी, बेटी रोने लगी, जितने मतलब सरकारी ज़मीन में कितने लोग झुग्गी बना के, कितने लोग घर बना के रह रहे हैं, ये जो हम रह रहे हैं यहाँ पे भी मतलब ये ऐसे ही, हम तो किराए में हैं और बाकी के लोग झुग्गी होगी मतलब ऐसे ही बना के, ये झुग्गी मोहल्ला बोलता है, झुग्गी पहले से लोग घेर रखा था और बाकी के अब बना रखे हैं लोग। तो ऐसे ही जैसे लोग रह रिया, तो उन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए जो यहाँ के मतलब गवर्नमेंट है, और जितने दिल्ली में देखते हैं बहुत लोग लोगों की हेल्प करता है, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो उन लोगों के लिए रहने के व्यवस्था करें, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। जो हम तो जैसे तैसे मान ले अपने बच्चे लेके घर में बैठे हुए हैं, और वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे और कैसे, बारिश जब हो रही है तो उन लोग कहाँ पे बैठे होंगे, यही मैं सोच रही हूँ कि कैसे क्या करते होंगे, और बच्चे उच्चे भीगते होंगे, कहाँ कहाँ जाके कहीं कहीं दुकानों के पास में वो लोग अपना सर छुपाते होंगे। तो प्लीज़
जितने भी लोग अगर बड़े क्रिएटर हैं, जो लोग दूसरे का हेल्प करते हैं, तो ऐसी ऐसी लोगों का हेल्प करें जो रोड पे ना रहे, रोड पे ना सोए। जाड़े के मौसम में भी रोड पे लोग सो जाता है। मेरी बेटी कितनी खुश हो रही। बाकी के जो भी बातें हैं, अगर हमारे बातें आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर कमेंट करना और अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं सही सोचती हूँ या गलत। बाकी का देखिए, हमारे लड़का नहाया गया था चिकन लाने के लिए तो भीग गया, तो बारिश के पानी में नहा रहा। वही देख देख के बेटी मेरे बहुत हंस रही। ओए मेरे जान है, मेरे छोटा जान है, ये तो ये छोटा छोटा जान हंसता है। तू भी नहाएगी? अब ये भी कह रही है मैं नहाऊंगी, नहाने के लिए जा रही है। देख सकते हैं यही लड़का गया था लाने के लिए बारिश में चिकन, तो लाते लाते भीग गया तो नहा रहा। और ये लवंडिया है जो मेरे नहाने के लिए परेशान कर रही कि मैं भी नहा लूँ बारिश में, तो मैं मना कर रही हूँ। शाम हो गया है और ठंडा का मौसम है, आज सारे दिन थोड़ा ठंडा था। और बाकी के ये इधर मुँह बना के बैठा हुआ है, देख सकते हैं नहाने के लिए। सो फ्रेंड, मैं जैसी हालात में रहती हूँ, मैंने कभी भी, अब मेरे वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा, मैंने कभी भी ये दुख नहीं रोई कि मैं ऐसी में रह रही हूँ, मैं ऐसा रहना चाहती हूँ। नहीं, जैसा भी अल्लाह ने दिया है मुझे, जैसे भी नवाजा है, मैं उसी में खुश हूँ। बस ये होता है कभी, बस सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, व्यूज़ नहीं आता है, उसके लिए मैंने आप लोगों से शिकायत ज़रूर करी हूँ, क्योंकि दिल टूटता है। हर किसी का ख्वाहिश होता है जब मैं आगे बढ़ूँ और कुछ करूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। और बेटी को देखो कैसे नहा रहे हैं बच्चे। खाना बन गया शाम का और देख सकते हैं चिकन, तो मेरा चिकन देख सकते हैं बन गया है। और ये चावल बन गया है, देख सकते हैं चावल और चिकन बना हुआ है। किन किन को खाना है आ जाइए खाना खा लीजिए। बाकी के बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, अभी तक मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं। 8 बज गया रात को, अभी तक हस्बैंड मेरा आया नहीं है। और आ जाते हैं तो जाके टेंशन ख़त्म होता है। सुबह से काम पे गए और रात को 8 बज गया, अभी तक आए नहीं। तो बाकी फिर मिलती हूँ उनके आने के बाद में। फ्रेंड अभी आए हुए हैं काम पे से, अभी मैं आप लोगों से बता ही रही थी। अरे वाह बेटी कितनी खुश हो रही। तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी आए हुए हैं। और बाकी के ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप लोगों से बहुत बातचीत कर ली थी इस वीडियो में, तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के ये काम पे से 8 बजे आए हैं, तो अब हाथ मुंह धोएंगे, खाना वाना खिलाऊँगी इनको, तो इसलिए मैं वीडियो एंड करती हूँ यहीं पर।